अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटोफोरेसिस। एंटोफोरेसिस जो है इसका मतलब क्या होता है? एंटो मीन होता है आयंस एंड फोरेसिस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी इसमें हमारे के पास क्या होता है, आयंस का ट्रांसमिशन होता है। कैसे? बॉडी टिश्यूज के अंदर ट्रांसफर ऑफ आयंस इनटू द बॉडी टिश्यूज थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू हम जो है वो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, स्किन है ब्लैक कलर से जो मैंने शो की है, ये हमारे पास क्या है, ड्रग है, और उसके ऊपर हमने क्या प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रोड। अब जब हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, जो हमारे पास ड्रग है वो हमारी स्किन के अंदर जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन ऑफ आयंस इनटू द बॉडी टिश्यूज थ्रू स्किन। अच्छा, अब इसको जो है हमारे पास, इसको हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया था ल्यूडिक ने 1903 में इस मेथड को। अब आपने जो है कभी भी एंटोफोरेसिस को फोनोफोरेसिस के साथ मिक्स नहीं करना। एंटोफोरेसिस में क्या होता है कि हम डायरेक्ट गल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं, और लेकिन जो फोनोफोरेसिस होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड का एक मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग जो है वो जेल के साथ मिक्स करके उसको, फिर जेल के साथ मिक्स करते हैं और उसके ऊपर जो है वो अल्ट्रासाउंड लगाते हैं। तो वो वाला जो मेथड होता है वो फोनोफोरेसिस होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एंटोफोरेसिस है, जिसमें हम आयंस ट्रांसफर करते हैं स्किन के अंदर करंट को यूज़ करके। ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, और उसमें क्या होता है, हम जो फोनोफोरेसिस होती है उसमें हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है, इसको आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। ओके, अब एंटोफोरेसिस का हमारे पास फायदा क्या है, एंटोफोरेसिस क्या करती है, ये हमारे पास ये होता है कि हम लोकल एरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे मसला है ना, तो मैं उस आयंस को यहाँ पे ट्रांसफर करके इधर ही ट्रीट कर दूंगी उस मसले को। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CTS है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, या फिर टेनिस एल्बो है, लेटरल एप्रिकन डायलेटिस है, तो इसमें क्या होगा कि मैं उसी एरिया के ऊपर ड्रग इंजेक्ट करके उस एरिया को ट्रीट करूँगी। लेकिन और इसमें ये होता है कि हमें जो है वो पूरी बॉडी को एक ड्रग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम जो है वो एक जो जिस एरिया पे मसला होता है उसी एरिया के ऊपर, लोकल एरिया के ऊपर जो है वो ड्रग इंजेक्ट करके उसको ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है कि एक इन्फ्लेम्ड टिश्यू है। इन्फ्लेमेशन जो है आपको पता है कि अर्थराइटिस की कंडीशन में हो जाती है, बर्साइटस, टेंडनाइटिस वगैरह, तो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है। और कोई भी हमारे पास नॉर्मल इंजरी हो जाए उसके बाद भी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जो है, ये सारे प्रोसेस चलते हैं हमेशा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या था, एक इन्फ्लेम्ड टिश्यू था। अब इन्फ्लेम्ड टिश्यू जो है आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, ये हमने ली है एक ड्रग जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव हमने कौन सी ड्रग ली है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, अच्छा आपने जो है इसको, इस ड्रग को पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोड उसके नीचे प्लेस कर लिया है। पॉजिटिव ड्रग जब, जो चार्ज ड्रग के ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ड्रग के ऊपर है तो आपने उसको उसी इलेक्ट्रोड के नीचे प्लेस करना है। सेम चार्ज और सेम ड्रग, ड्रग के ऊपर भी सेम चार्ज हो और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उन दोनों का सेम चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जब सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आयंस जो हैं वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव के नीचे रख देंगे, ठीक है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के, तो वो क्या करेंगे, वो तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो तो इस तरह से काम करेंगे, और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो टिश्यूज़ के अंदर तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो हमारा जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू है वो तो ठीक नहीं होगा। इस वजह से आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका पता हो कि वो पॉजिटिव आयन वाली है या नेगेटिव आयन वाली है। अगर पॉजिटिव वाली होगी तो आपने उसको पॉजिटिव के नीचे रखना है, अगर नेगेटिव वाली होगी तो आपने उसको नेगेटिव के नीचे रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात आ जाती है इलेक्ट्रोड की, एक्टिव इलेक्ट्रोड की और इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड की। जिस भी हम इलेक्ट्रोड के नीचे ड्रग को रखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। तो फॉर एग्जांपल इसके नीचे हमने ड्रग रखी है तो ये हमारे पास क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और ये जो है हमारे पास इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है। अब ये वेरी कर सकता है कि अगर हमने ड्रग जो है वो कैथोड वाली जगह पे, नेगेटिव वाली साइड पे रख लेंगे तो ये एक्टिव बन जाएगा और ये इनडिफरेंट बन जाएगा, तो ये वाइस वर्सा जो है वो चीज़ चलती है।
अब इसमें जो है वो ड्रग किस तरह से ट्रांसफर होती है, हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स हैं तो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, तो उनके थ्रू जो है वो ड्रग हमारी स्किन के अंदर ट्रांसफर होती है और जब वो टिश्यूज तक पहुंचती है तो वहां से वो ब्लड वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर जो भी उसका बेनिफिशियल एरिया है वहाँ पे पहुँच जाती है। तो अगर आप एक अच्छी पेनिट्रेशन चाहते हैं ड्रग की तो जिस एरिया पे भी आप चाहते हैं तो उस एरिया की वेस्कुलराइजेशन ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छी होनी चाहिए और दूसरी बात जो है उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आइंस की पेनिट्रेशन जो होगी वो अच्छी होगी और आपको जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाती है क्वांटिटी ऑफ आयन ट्रांसफर। जो क्वांटिटी ऑफ आयन ट्रांसफर है वो डिपेंड करती है कि कितने ड्यूरेशन से जो है वो आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, कितना ड्यूरेशन लगा है। दूसरा जो है आयन की कंसंट्रेशन क्या है। तीसरा जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, करंट की जो है वो इंटेंसिटी क्या है। अब जो हमारे पास करंट की इंटेंसिटी होती है ना वो ज़्यादातर लो इंटेंसिटी करंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और हम जो है मोस्टली आयन ट्रांसफरेंस में 5 मिली एम्पेयर से 12 मिली एम्पेयर तक जो है वो इंटेंसिटी रखते हैं और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो 15 टू 20 मिनट्स जो है वो ड्यूरेशन होता है जिसमें हम आयंस जो हैं वो जो भी हमारा ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें जो है आप नेगेटिव ड्रग भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था आयंटोफोरोसिस की इंडिकेशन, किन किन कंडीशन में आप आयंटोफोरोसिस जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। पॉजिटिव आयंस जो है उसको हमने एनोड के नीचे रखना है, ठीक है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उसको हमने कैथोड के नीचे रखना है, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के नीचे। अब जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं किन किन कंडीशंस में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें इफेक्ट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बर्साइटिस है, टेंडिनाइटिस वगैरह हुआ है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो हम उसमें जो है हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट चाहिए तो हम उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग यूज़ करेंगे। इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टिफनेस है, अगर जॉइंट जो है उसमें स्टिफनेस हुई है उसकी रेंज ऑफ मोशन कम है या फिर पोस्ट ट्रोमेटिक पेन है तो हम इसमें क्या करेंगे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। ये भी पॉजिटिव आयन है जो हमारे पास स्टिफनेस जो है उसको कम करती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इन्हेंस कराती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्सर्स हैं, यानी को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, खून जैसे रिसरा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ओपन लीजंस हैं तो इसमें क्या करते हैं हम जिंक ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। जिंक ऑक्साइड क्या है, इसके जो होते हैं ना वो हीलिंग के इफेक्ट होते हैं, ये हीलिंग की एक प्रॉपर्टी रखती है तो ये हमारा जो भी ओपन लीजंस वगैरह होंगी उनको हील करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में जो है हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ये अर्थराइटिस में क्या होती है हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई है तो ये हमारे पास क्या करती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है कि जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसमें वो क्या करेगी ब्लड वेसल्स को जाकर डायलेट कर देगी और उस वजह से क्या होगा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं तो इंक्रीज कर देगी, ब्लड फ्लो की वजह से जो वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह इकट्ठा हुआ है वो फ्लश आउट हो जाएगा और इस तरह से जो है ये जो है हमारे पास इफेक्ट शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है MSK की कंडीशंस, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं तो उसमें हम क्या करते हैं डेक्सामेथासोन जो है ये यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कोई भी न्यूरोजेनिक कंडीशन है, जैसे हमने पढ़ा था ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे विंका एल्कलॉइड जो है वो यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस जो है वो हम क्या करेंगे कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के नीचे प्लेस करेंगे और ये क्या करते हैं ये हमारे पास स्कार जो है उसमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में जो है वो अगर कोई कंडीशन है, ठीक है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है ना वो स्टिफ हुआ हुआ होता है, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हुई हुई होती है और अडहेयर हुआ हुआ होता है आपस में, ठीक है, और इस वजह से हम वहाँ पे क्या करेंगे आयोडीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रोड के नीचे प्लेस करके और उसको उस जगह पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल हमारे पास केलोइड्स है, केलोइड्स में क्या होता है कि जो हमारी स्कार है ना वो एक्सेसिव बन जाता है, एक्सेसिव स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्किन है और इसके ऊपर ऐसे रेज्ड जो है और एक्सेसिव स्कार जो है वो बन जाता है तो उस कंडीशन में जो है वो हम क्लोरीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं और बर्न वगैरह हुआ हुआ तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर हमें इफेक्ट चाहिए तो उसमें हम सैलिसाइक्लिक एसिड भी यूज़ करते हैं और ये जो तीनों हैं ये हमारे पास स्क्लेरोलिटिक एजेंट होते हैं। पर तो स्क्लेरोलिटिक एजेंट का क्या मतलब है कि ये जो भी हमारे पास स्कार वगैरह बना हुआ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल टेनिस एल्बो है, लेटरल एपिकंडाइलिटिस है,
और वहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कार बना हुआ है। तो वो स्कार जो है उसकी ब्रेक डाउन में ये तीनों जो है वो हेल्प आउट करती है, आयोडीन भी, क्लोरीन भी और सैलिसाइक्लिक एसिड भी। ये तीनों क्या है, स्क्लेरोलिटिक एजेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट जो है वो यूज़ होती है। आरए में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ही हुई होती है ना बेसिकली, तो इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करती है। उसके बाद आ जाते हैं हाइपरहाइड्रोसिस जो है ना, उस कंडीशन में यूज़ होते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो उसमें जो है आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड जो है ये भी टैप वाटर के साथ मिक्स करके जो है वो यूज़ की जाती है हाइपरहाइड्रोसिस की कंडीशन में। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना ये प्रिकॉशंस और लेनी है, सेफ्टी का ख्याल रखना है कि जो भी एंटी कोलिनर्जिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनके हमारे पास क्या होते हैं, एट्रोपीन लाइक एक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका माउथ जो है वो ड्राई फील करते हैं, और इसके अलावा उसका थ्रोट में क्या है, ड्राइनेस फील होती है। तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को जो है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि वो फ़ौरन से इस ट्रीटमेंट के बाद, एंटीफ्रोसिस के बाद, वो कोई भी हैवी एक्टिविटी या स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म ना करें जिससे मजीद स्वेटिंग हो, और वो उसके लिए जब ज़्यादा वाटर का लॉस होगा तो उसके लिए डेंजरस काज हो सकता है। कि नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम जो है इंटरफ्रेंसिस को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है, इसमें क्या होता है कि अगर पेसमेकर क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको जो है वो मेंटेन करता है, बैलेंस करता है हार्ट के अंदर। तो अगर हम इसको कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और जो है एडवर्स इफेक्ट्स हमें काज हो सकते हैं। तो आपने कभी भी जो है वो कार्डियक पेसमेकर जिस पेशेंट में लगा आपने उस पर अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पे आपने एब्डोमेन पे और यूट्रस पे जो है वो अप्लाई नहीं करना, उससे क्या होता है कि फीटस को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने जो है प्रेगनेंसी की कंडीशन में उस फीमेल एब्डोमेन वाले एरिया पे। उसके बाद अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, फॉर एग्जांपल कि उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो आपको जो है वो बर्न अगर वगैरह हो गया है तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मुझे बर्न हो रहा है या मुझे जो है कोई चीज़ इरिटेट कर रही है, और वो हमें बता ही नहीं पाएगा। इस वजह से आप जो है अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर भी इसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे। और उसके बाद आ जाता है कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस हमारा जो नेक का एरिया है फ्रंट वाला, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम उस एरिया पे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो बीपी फॉल कर सकता है, और इस वजह से क्या होगा कि आप जो पेशेंट जो है वो फेंट हो सकते हैं। तो आप इस वजह से कैरोटिड साइनस वाले एरिया पे कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी। फॉर एग्जांपल कैंसर की कंडीशन है, तो कुछ कैंसर होते हैं, ट्यूमर है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो वो जो है वो मेटास्टेसिस काज हो सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है, वो सेकेंडरी ट्यूमर काज कर सकता है। और इस वजह से जो है, और कुछ हमारे पास कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आपने कोई कैंसर की कंडीशन में जो है वो इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हेमरेज। हेमरेज में क्या होती है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई है ना वो कट ऑफ हुई होती है। फॉर एग्जांपल जो ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हुई होती है, तो आपने कभी भी उधर भी अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है वीनस थ्रोम्बोसिस। ये ज़्यादातर ना हमारे पास होते हैं काफ वाले रीजन पे, ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो वेन्स का ब्लड फ्लो सही नहीं होता और वहाँ पे थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये वेन है, यहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। जब आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड को, तो क्या होगा कि इससे ये वेजोडाइलेशन भी कराता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज भी कराता है, ठीक है, हीट भी प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो थ्रोम्बस है ये यहाँ से टूट के ये ऐसे एम्बोलस बन के आराम से घूमता फिरेगा। तो आपने जो है एम्बोलस काज हो सकता है, इस वजह से आपने जो है इसको कभी भी थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्टेड वाउंड। इन्फेक्टेड वाउंड क्या है कि अगर आपने इसको वाउंड के ऊपर लगा दिया तो क्या होगा कि वाउंड जो है वो आपका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है। इस वजह से आपने कभी भी इन्फेक्टेड वाउंड की कंडीशन जो है उसमें अप्लाई नहीं करना। आई होप सो आपको जो है वो एंटीफ्रोसिस की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।